नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल क्लब अकेडमी टेक में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं जीके महारिवीजन सुपर फास्ट सीरीज का पार्ट नंबर दोस्तों 10वां। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों जिन्होंने भी अभी पिछले 9 पार्टों को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है प्ले लिस्ट की, तो सारे वीडियो जाकर देख लें क्योंकि सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में बिना किसी देरी के। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, शपथ दिलाता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल जी। और डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, और संसद का उच्च सदन कौन होता है दोस्तों? राज्यसभा। और इसे राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्थायी सभा होती है। ठीक है, और पंचतंत्र का लेखक कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पंचशील समझौता। तो इसकी सही जरूर याद रखना कि पंचशील समझौता कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था दोस्तों? स्पेन ने। और राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़ग पालसा में। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है। और एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में दोस्तों 72 बार धड़कता है। भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों? तो 1872 में। और परमानेंटली जो 11 साल का अंतराल कब से होने लगा था दोस्तों? तो 10 साल का अंतराल कब से होने लगा था दोस्तों? तो 1881। ठीक है, पहली बार हुआ था 1872 में। जब एग्जामिनर पूछे कि निरंतरता कब हुई थी, 10 साल का अंतराल कब से लागू हो गया था 10 साल में जनगणना गिनी जाएगी, तो 1881 थी। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो टेनिस से। और भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा। और लाई हरोबा किस राज्य से लोक नृत्य है? तो मणिपुर का दोस्तों लोक नृत्य है लाई हरोबा। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में दोस्तों सबसे अधिक उत्पादन होता है रबर का। ठीक है, कोलकाता किस नदी के किनारे पर है दोस्तों? हुगली के किनारे पर। और हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु जी ने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? तो अहमदाबाद में। और ठीक है, और कब किया गया था? यही क्वेश्चन की स्थापना की थी। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या फिर बोल लें 46। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब लगता है दोस्तों? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। और मनुष्य इसी भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों गांधी जी ने एक नारा दिया था कि क्या दिया था, सॉरी दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन होता है? तो 22 दिसंबर को। और रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास जी ने। यहीं पर पूछता रामायण तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1991 दोस्तों नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि सोनीपत में है। ठीक है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10ों विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो दोस्तों अनिल कुंबले ने पूरे सारे 10 विकेट ले लिए थे। ठीक है,
2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रूस में हुआ था, ठीक है, रूस में हुआ था। अगले क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो दोस्तों लोकसभा में दो करता है यहीं पर लोग, और राज्यसभा में पूछता तो 12 करता है, ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है दोस्तों? ए बी, और यहीं पर सर्वदाता पूछता है तो वो हो जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक शब्द यूज होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा यहीं पर सदन पूछता तो राज्यसभा हो जाता। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने। और भारत में जनगणना कितने वर्षों में की बात होती है? तो 10 वर्षों के बाद। यह इसकी शुरुआत कब से हुई थी? अंतराल की शुरुआत 1981 से, ठीक है। मेघदूत किसकी रचना है दोस्तों? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली, ठीक है, क्लेमेंट एटली। 500 तक के क्वेश्चन है आज के। और एक्जिमा रोग, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। और स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बॉडेन पावेल ने, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। और पेनल्टी के शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से, ठीक है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था पेनल्टी, पेनल्टी स्ट्रोक जो कि हॉकी से संबंधित था दोस्तों, और पेनल्टी के किससे दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी के संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो बहुत आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, और अगर हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। तो बढ़ेंगे दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।